नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खंबे से भिड़कर दुपहिया चालक की मौत, 3 लाख की मशीनें चोरी, जामर चुराने वाला कार चालक गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबर अब विस्तार में। खंबे से भिड़कर दुपहिया चालक की मौत। नागपुर तहसील थाने के तहत मोमिनपुरा रोड पर इलेक्ट्रिक पोल से भिड़कर एक दुपहिया चालक की मौत हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार की रात 10 बजे हुई। मृतक टोपरे के कुएं के पास रहने वाला महेश दुर्वास सोन कुसरे है। महेश शुक्रवार की रात को दुपहिया पर गोलीबार चौक की दिशा से मोमिनपुरा की ओर जा रहा था। इस दौरान उसकी दुपहिया समता विहार के पास पोल से भिड़ गई। गंभीर रूप से जख्मी महेश को मेयो अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वही दूसरी ओर 3 लाख की मशीनें चोरी। नागपुर बेलतरोडी में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से IVRCL कंपनी के कंपाउंड से चोरों ने 3 लाख रुपए की मशीनें चुरा ली। IVRCL के सीनियर मैनेजर सदानंद महाजन की शिकायत पर बेलतरोडी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कंपनी को वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अक्टूबर 2018 से बेलतरोडी में काम मिला है। प्लांट से सटकर ही IVRCL कंपनी का प्रोजेक्ट शुरू होने से कंपाउंड में वेल्डिंग मशीन, पंप, इंजिन, बार, कटिंग मशीनें आदि रखी थी। अज्ञात आरोपियों ने यह मशीनें चुरा ली। तो वही तीसरी ओर जामर चुराने वाला कार चालक गिरफ्तार। सेंटर एवेन्यू में नो पार्किंग जोन से जामर सहित कार लेकर जाने वाले आरोपी को गणेशपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की दोपहर 1:30 पर कॉटन मार्केट यातायात परिमंडल की टीम CA रोड पर नो पार्किंग जोन में कार लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। ट्रैफिक कर्मचारियों ने कार के पहिए में जामर लगा दिया। कार के पास लौटने पर चालक को जामर दिखाई दिया। उसने पहिए सहित जामर निकालकर डिक्की में रख दिया। इसके बाद घटनास्थल से चला गया। यह घटना समीप की एक दुकान के कैमरे में कैद हो गई। ट्रैफिक कर्मचारियों ने गणेशपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार चालक को गिरफ्तार किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।